हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक यूपीएस को कैसे इन्वर्टर में कन्वर्ट करते हैं फुल्ली एफिशिएंट वे में, वो देखेंगे। और साथ ही साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन को कैसे बाईपास करना है, टाइमर, ऑटो ऑफ, शट डाउन, इसको कैसे बाईपास करना है देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोड टेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक 100 वाट का लैम्प और एक फ़ैन और टीवी हम चला रहे हैं। तो यहाँ पर फ़ैन हमारा फुल स्पीड में चल रहा है और हम टीवी का भी पावर दे देते हैं। तो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन एंड टाइमर प्रोटेक्शन को बाईपास करेंगे, यूपीएस ऑलवेज ऑन रहेगा। बैटरी बड़ा लगाइए तो ज़्यादा देर तक चलेगा, 10 घंटा 20 घंटा पूरा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैन फुल स्पीड चल रहा है और ये हमारा टीवी भी इस पर चल रहा है। थोड़ा सा स्पार्किंग हो रहा है, उसके बाद चालू हो रहा है, मैं मजाक कर रहा था। तो देखिए हमारा दोनों लिटिल क्यूट टीवी और फैन चल रहा है और ये यूपीएस भी कितना अच्छा काम कर रहा है। अब देख लेते हैं मल्टीमीटर में कितना वोल्टेज भी ये चल रहा है। यहाँ पे मैंने एक कार का पुराना बैटरी का यूज़ किया है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, 8 वोल्ट 9 वोल्ट, इस पर भी बिंदास चल रहा है क्योंकि मैंने इसके सर्किट के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है जिसके मदद से ये लो वोल्टेज में भी चलेगा। मतलब आपका लोड चलता रहेगा, चाहे ये यूपीएस खुद जल जाए लेकिन आपका लोड बंद नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से इसका बाईपास किया है कि आप इसको जितना लोड पे चलाइए ये बंद नहीं होगा। तो ये रहा हमारा माइक्रोटेक का यूपीएस, जिसका जो अंदर का 7 एम्पियर का बैटरी है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये बैकअप कम देता है। ये मैक्सिमम यूपीएस में ही होता है, या कोई भी माइक्रोटेक या फॉन्टेक किसी का कोई भी यूपीएस हो, सबका सेम है। आप एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप सबको इस तरीके से इन्वर्टर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक 12 वोल्ट के कार का जो बैटरी है उससे हम काम में लेंगे। ये रहा पुराना बैटरी जो कि ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट 30 एम्पियर का बैटरी है, इससे हम इसका लोड टेस्ट करेंगे क्योंकि 150 वाट 200 वाट लोड देने पे काफ़ी ज़्यादा एम्पियर खींचेगा, करीब 10-15 एम्पियर के अप्रोक्स 12 वोल्ट के लाइन पे लेगा ये। तो यहाँ पे लोड टेस्टिंग के लिए एक टीवी 80 वाट का और एक फ़ैन 80 वाट का है, और यहाँ पे एक 10 एम्पियर का बैटरी चार्जर है क्योंकि ये बैटरी थोड़ा पुराना है तो इसका मतलब ज़्यादा इसका बैकअप नहीं है। तो चार्जर से 10 एम्पियर लेंगे और बैटरी से कुछ एम्पियर लेंगे, नहीं तो यूपीएस मतलब एकदम बंद हो जाएगा। ये बैटरी जो है ये इसका एकदम ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको इस तरीके का वीडियो अच्छा लगता है मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरीके का सीआरओ बनाने का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले बैटरी का वोल्टेज देख लेते हैं। तो मल्टीमीटर के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ और मल्टीमीटर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डीसी मल्टीमीटर पर हमारा वोल्टेज आ रहा है 13.91। तो हमारा बैटरी फुल चार्ज है, तो हम इस पर 2.5 स्क्वायर mm का वायर का यूज़ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्पियर खींचता है 12 वोल्ट के लाइन पे, तो पतले वायर होगा तो वायर जल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मोटे वायर का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 8 वोल्ट लो वोल्टेज तक ये अच्छी तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बैटरी का चार्ज कम हो जाने पर भी कोई दिक्कत नहीं, या डायरेक्ट सोलर से लगा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये 8 वोल्ट तक भी बिंदास चलेगा क्योंकि इसके अंदर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन हमने बाईपास कर दिया है। इससे सर्किट को मतलब उतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम तो लोड जो है आउटपुट में 150 वाट तक ही चलाएंगे। और एक सेफ्टी आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको शौक लग सकता है, बैटरी लाइन पर डायरेक्टली हाई वोल्टेज आता है, मतलब 230 वोल्ट आता है। तो आप अगर डायरेक्टली इसको ऑन करके बैटरी बाहर रखे, 2 वायर लगा दिया है मोटा और बाहर बैटरी के हाथ रखेंगे, तो आपको शौक लग जाएगा क्योंकि इसके सर्किट का डिज़ाइन ही ऐसा है। तो इसके लिए क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वो वीडियो में आगे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सर्किट में मैंने क्या इस पर कम किया है जिसके वजह से ये काम कर रहा है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए एक तो मैंने फ़ैन लगा दिया है इसका कूलिंग के लिए क्योंकि यहाँ पर फुल टाइम ये बना नहीं है, डिज़ाइन नहीं है फुल टाइम चलने के लिए, हमने इस पर मॉडिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर एक फ़ैन तो ज़रूर लगाना है, और जो बजर है वो बहुत ज़्यादा साउंड करता है, तो वहाँ पे एक डबल साइड टेप लगा दिया जिससे साउंड कम हो गया। और जो फ़ैन का कनेक्शन है नेगेटिव तो कॉमन है बैटरी के नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव जो कनेक्शन है जो पावर ऑन बटन है उसके बाद जो 12 वोल्ट निकल रहा है मेन सर्किट का कंट्रोल सप्लाई वहाँ पे से लेना है क्योंकि अब अगर पावर ऑन करेंगे यूपीएस तभी फैन चलना चाहिए, हर वक्त फ़ैन चलेगा तो क्या मतलब क्या रहेगा। तो पावर ऑन करने पर ही फैन चलेगा। यहाँ पे देखिए 4 MOSFET का यूज़ किया गया है, एन चैनल PN55 MOSFET है यहाँ पे, तो इससे ये हमारा एच ब्रिज इन्वर्टर काम कर रहा है। यहाँ पे ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है,
क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर से दो ही वायर आया हुआ है, जो एलवी साइड का है प्राइमरी, मतलब एलवी साइड जहाँ से हम 12 वोल्ट का एसी सप्लाई देते हैं, और एक फीडबैक वायर आया हुआ है दो रेड कलर का, जिससे ये पूरा साइन वेव काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो टेपिंग तीनों हैं ट्रांसफार्मर का, डिफरेंट वोल्टेज का, 230 वोल्ट साइड, वो भी यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। और यहाँ पे रिले है चार चेंज ओवर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन किया है पीछे आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे क्या क्या करना पड़ेगा एक पुराने यूपीएस को इन्वर्टर में कन्वर्ट करने के लिए। मेरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब करना, और सीआरओ बनाने का, एम्पलीफायर बनाने का, रिपेयरिंग का काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग वीडियो है, चैनल में जाके एक बार देखना। और मेरे एक यहाँ पे देखिए, मैं इस पे जो है चार्जर का सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ बैटरी से चलाऊँगा, तो क्या होगा वोल्टेज एकदम से बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बैटरी बहुत पुराना है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्लस माइनस लगा देता हूँ। और है एक बात, मेरे एक सब्सक्राइब ने मैसेज किया था कि इस टॉपिक पे जल्दी से वीडियो बनाइए, तो उन्होंने उनके लिए बना ले बना रहा हूँ ये वीडियो। तो आप सभी का कमेंट में बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको कुछ मतलब बनाने का या रिपेयरिंग करने का, उस टॉपिक में ही बनाऊँगा, आप कमेंट कीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे 11 वोल्ट है, ऑन करने पर 100 वाट का लैंप मैंने लोड पे दिया है, तो देखेंगे ये बैटरी वीक है तो काफ़ी जल्दी यह डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन हमारा यूपीएस बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है लो वोल्टेज प्रोडक्शन को बाईपास कर दिया है। यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है दो रेजिस्टेंस से डिटेक्ट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर, वहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है, जिससे कि माइक्रो कंट्रोलर को लग रहा है कि बैटरी फुल चार्ज है। तो यहाँ पे तो पूरी तरीके से लोड ले पा रहा है ये, आराम से इस पे आप 150 वाट तक लोड चला सकते हैं, मतलब एक कंप्यूटर, टोटल कंप्यूटर, सीपीयू, डिस्प्ले, कंप्यूटर सिस्टम, टेबल अपना, या टीवी, या एक फ़ैन, एक लाइट, मतलब एक रूम का चीज़ चल जाएगा मोटा मोटी, हल्का फुल्का लोड, मतलब एक फ़ैन, एक लाइट, ट्यूबलाइट, बिंदास चल जाएगा। आप पुराने ई रिक्शा का बैटरी का यूज़ कीजिएगा तो आपका आराम से सारा रात निकाल देगा गर्मी के दिनों में। लेकिन इसका चार्जिंग का जो करंट है बहुत कम है, मैक्सिमम 1 एम्पियर, तो इससे आप बैटरी चार्जिंग का उम्मीद मत कीजिएगा। बैटरी चार्जिंग के लिए आपके अलग से बैटरी चार्जर यूज़ करना पड़ेगा, छोटा बैटरी है तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा बैटरी के लिए आप प्लीज़ अलग से बैटरी चार्जर यूज़ कीजिएगा। मतलब आप सोचेंगे कि इससे ही आपका बड़ा बैटरी चार्ज होएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 1 एम्पियर करंट से चार्ज करता है। और एक बात इस पे, और एक चीज़ आपको बताना है कि इसको आप डायरेक्टली मतलब इन्वर्टर पोर्ट पे भी नहीं लगा सकते, तो उसका क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। लगा सकते हैं तो एक रिस्क रहेगा कि बैटरी टर्मिनल पे आपका डायरेक्ट लाइन वोल्टेज आएगा, तो वहाँ पे अगर कोई टच करेगा बैटरी पे तो उसका शॉक लगेगा। मतलब डायरेक्टली जैसा इन्वर्टर में, इन्वर्टर के लिए एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर प्लग लगा दीजिए और उसका प्लग पीछे लगा दीजिए, तो लोड चलने लगता है पूरा घर का, उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक सी रिस्क रहेगा कि आपके घर का जो मतलब स्लो टोर वो तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन जो बैटरी टर्मिनल है वहाँ पे लाइन वोल्टेज आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट में जो लाइन प्लग है, लाइन और न्यूट्रल, उसको उल्टा कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे बैटरी पे लाइन नहीं आएगा। लेकिन उसी के साथ साथ प्लग के आउटपुट में भी लाइन न्यूट्रल उल्टा हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली घर का लोड का प्लग नहीं लगा पाएंगे। तो मतलब इसको आप घर के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा, डायरेक्टली फैन का वायर इसके पीछे लगाइए, या लोड को इसके पीछे लगाइए, तो अच्छा चलेगा, तो कोई रिस्क नहीं है। और इनपुट में लाइन न्यूट्रल को उल्टा कर दीजिए, तो बैटरी पे भी लाइन नहीं आएगा, आप टेस्टर से चेक कर लेना बैटरी टर्मिनल पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 100 वाट का लैंप आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 9.5 वोल्ट पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बाईपास कर दिया है। अच्छा चलिए, आप बाईपास कैसे किया है वो थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बैटरी टर्मिनल पे जो मैंने बोल रहा था ना, वोल्टेज आ रहा है, तो इसको ऑन करके इसका प्लग लगा के आपको दिखाता हूँ। पहले तो नहीं जल रहा था, देखिए अभी देखिए ऑन किया, ये देखिए बैटरी टर्मिनल पर लाइन जल रहा है, ये पूरा फुल वोल्टेज के आसपास ही है, मतलब आप हाथ देंगे तो सब लग जाएगा। तो ये सावधानी आपको बरतना है, हर वीडियो में आपको ये नहीं बताता होगा, लेकिन ये डेंजरस यूपीएस में है, मतलब यूपीएस के डिज़ाइन ही ऐसा है, कुछ कारण बस यहाँ पे बैटरी टर्मिनल पर लाइन वोल्टेज आता है, तो आपको इनपुट में जो प्लग है लाइन न्यूट्रल, उसको उल्टा कर देना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ आउटपुट में प्लग में भी लाइन न्यूट्रल उल्टा हो जाएगा, तो उसको आप डायरेक्टली किसी मतलब घर के सिस्टम के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आप सेपरेटली इसके पीछे लोड लगाइए डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए लाइन न्यूट्रल यहाँ पे उल्टा हो गया ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मतलब इसको घर के सिस्टम के साथ
ऐड मत कीजिए, इसको सेपरेट लोड कीजिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप घर के सिस्टम के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना मतलब आइडिया नहीं है तो आप सिंपली इसके पीछे डायरेक्ट लोड लगाइए। आपको फ़ैन चलाना है तो डायरेक्ट फ़ैन पीछे लगा दीजिए, और बैटरी टर्मिनल पर टेस्टर लगा के देख लेना है कि लाइन आ रहा है कि नहीं, तो सेफ्टी रखना है क्योंकि बैटरी टर्मिनल पर हाथ लग ही सकता है, शॉक भी लग सकता है। तो ये सब चीज़ मैं आपको बारीकी से बताता हूँ जैसे जिससे कि आप सेफली सब काम कर पाए। तो अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक्स विंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूसली मैंने इसको 5 घंटा 10 घंटा चलाया, ये बंद भी नहीं होगा क्योंकि ये पुराने मॉडल का माइक्रोटेक का UPS है, तो इसमें टाइमर का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है। आज के नया जो UPS होता है उसमें भी टाइमर भी और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है, उसको कैसे बाईपास करना है वो भी बताता हूँ। पहले देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, ये देखिए +12 वोल्ट बैटरी टर्मिनल है, यहाँ से ये इनपुट हुआ है, ये लाइन फॉलो करके यहाँ पर 12 वोल्ट हमारा जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ये 12 वोल्ट रिले मिले होकर के सप्लाई सबको दे करके। यहाँ पे ये स्विच पे आया हुआ है, स्विच ऑन होने पर इधर आ रहा है जिस जहाँ से हमने फ़ैन का कनेक्शन लिया है, स्विच ऑन होने पर ही फैन ऑन होगा। उसके बाद वो सप्लाई हमारा एक वोल्टेज रेगुलेटर पे गया है जिससे कि हमारा मेन माइक्रोकंट्रोलर चल रहा है, और साथ ही साथ वोल्टेज डिवाइडर पर गया है। देखिए यहाँ पर जो सप्लाई आया हुआ है पहले स्विच से, यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है जहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा के इसका कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा चेंज किया है जिससे कि IC को लग रहा है बैटरी ऑलवेज फुल चार्ज है। बैटरी ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है तो इसका फुल रेजोल्यूशन 5 वोल्ट है, मतलब इसके एक पिन पे 5 वोल्ट आएगा, एनालॉग रीड कर रहा है ये। यहाँ पर मार्क किया है मैंने कौन सा पिन है, यहाँ पर ये जब पिन है तो ये दोनों हमने टेस्ट किया है, तो इन दोनों पिन पे जो सप्लाई आ रहा है दो वोल्टेज डिवाइडर से बना हुआ आ रहा है, तो वोल्टेज डिवाइडर का उन्होंने वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे इसका एनालॉग रीड पिन पे जो जिस पिन से ये वोल्टेज रीड कर रहा है, लो वोल्टेज रीड करता है, DC वोल्टेज रीड करता है 12 वोल्ट के लाइन को, वहाँ पर क्या करता है वो मैक्सिमम 5 वोल्ट, मतलब अगर बैटरी फुल चार्ज है 14 वोल्ट तो यहाँ पर आएगा 5 वोल्ट, बैटरी अगर हाफ चार्ज है तो यहाँ पर आएगा 2.5 वोल्ट, इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। तो मैंने क्या किया है वहाँ पे जो ऊपर साइड जो रेजिस्टेंस होता है R1 उसका वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज़ कर दिया जिससे कि क्या होगा हर वक्त वहाँ पे 5 वोल्ट ही रहेगा, 9 वोल्ट भी होगा तो 5 वोल्ट भी रहेगा। तो डायग्राम के मदद से आपको और समझ में आएगा, और आप सिंपली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैंने दिखाया है इसको लगा सकते हैं। तो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से किसी भी बोर्ड पर आप कर पाएंगे कि आपको अच्छे से ढूंढना है कौन से पिन से पॉजिटिव लाइन के साथ कनेक्ट है वोल्टेज डिवाइडर से, तो वही आपका वोल्टेज मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहा होगा माइक्रोकंट्रोलर। और नए बोर्ड में कैसे करना है, नए बोर्ड में और भी आसान है तो बताता हूँ। ये थोड़ा पुराना UPS के मॉडल के लिए है, तो इस पर जो मैंने सेफ्टी बताया बैटरी पे वो देख लेना है। ये देखिए हमारा वोल्टेज डिवाइडर कुछ इस तरीके से, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव या ग्राउंड, और बीच से हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे जो देखिए 15 वोल्ट है लेकिन आउटपुट में देखिए 10 वोल्ट मिल रहा है। इसी तरीके से दो रेजिस्टेंस अगर सेम होगा 12 वोल्ट होगा तो 6 वोल्ट निकलेगा। तो इस तरीके से ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है ना R1 उसको आपको कम कर देना है जिससे कि आउटपुट में हर वक्त ज़्यादा वोल्टेज निकलेगा, मतलब जितना रेजोल्यूशन है उस माइक्रोकंट्रोलर का। तो इस तरीके से आपको बाईपास करना है। और नए मॉडल जो फॉन्टेक मॉन्टेक है उसमें जो R19 वो वाला रेजिस्टेंस को आपको निकाल देना है, तो इससे क्या होगा उसका माइक्रोकंट्रोलर का टाइमर और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन हट जाएगा, टाइमर प्रोटेक्शन हट जाएगा जिससे कि वो कभी बंद नहीं होगा। तो R19 ध्यान रखना है, पिक्चर पर देख सकते हैं नया बोर्ड जितना भी सारा है R19, SMD भी हो सकता है, पिन थ्रू होल भी हो सकता है। तो ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये इस वीडियो में आपको अगर कुछ जानने को मिला है सीखने को मिला है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।